गाइस हम लोग हैं गांधी सागर डैम पे और स्वीटी भी फर्स्ट टाइम आई है, मेरी फर्स्ट टाइम। और अभी मॉनसून है तो पूरा अच्छा ग्रीन हो रहा है पूरा साइड में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन। बस यहाँ पे ये सेवन गेट से ओपन नहीं है, ये गेट्स ओपन नहीं है अभी, नहीं तो अगर ये ओपन होते तो बहुत सही लगता है, बहुत सही मस्त। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ह्यूज है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बना हुआ, काफी अच्छे से बना हुआ है। और पूरा आप देख ग्रीनरी देख सकते हो, पूरा चारों तरफ, उधर भी पूरा चारों तरफ, यहाँ पे माउंटेन्स है और बहुत सही हवा चल रही है अभी। सो गाइस यहाँ पे दाल वाफले खाए जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप दाल वाफले। इधर है हमारे धुरंधर लोग सारे, सब इस मानसून की पहली बारिश में हम लोग घूमने निकले हैं, और आते टाइम पे नहीं आई पर अभी जाते टाइम पे तो आई रही है, नहीं तो अच्छा है हमारे लिए। मानसून में पहली बार हम लोग ऐसे बारिश में इधर जा रहे हैं। सो गाइस आज का टिप कैसा रहा? मस्त था, बहुत शानदार। आपके रिव्यूज पहले सर, आपके रिव्यूज दें। बहुत मजा आया, थोड़ा तेज बोले, तेज। बहुत मजा बहुत मजा आया, पर वो थोड़ा मौसम का तो था, क्योंकि आधे टाइम तो इतना मौसम ऐसा खराब, मतलब धूप, पर हम जाते टाइम बढ़िया बारिश आ रही है तो उसका लग रहा है थोड़ा दिल में, पर मजा तो आया। अगर हम जब आए थे यहाँ पे तब अगर और अच्छी थोड़ा बारिश वाला थोड़ा सा अच्छा मौसम होता तो फिर और ज्यादा अच्छा मजा आता, मजा तो आया, पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही थी। और अभी जा रहे हैं तो कितना मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, सही है। चलो तो सीटी जी, जी आप बताएं। वही सेम जो आपने बोला, वही मतलब अच्छा लग रहा था, बट कॉपी पेस्ट, गाइस कॉपी पेस्ट कर लेना आप, और अभी हम जा रहे हैं तो अच्छा वेदर हो चुका है, बारिश भी आ रही है, तो अच्छा लगा, बट अच्छा था मतलब डैम भी बहुत अच्छा लगा, छोटा सा एक लास्ट रिव्यू भी बहुत प्यारा था। ऐसा नहीं लग रहा है केरला, अपन केरला के पूरा दोनों तरफ से ये और बीच में पूरा, और मतलब ऐसा होता नहीं है कि सब सब दोनों साइड में ही ट्रीज, और पूरा एकदम वहां तक, और क्या, पूरा डैम से लेके अभी तक पूरा एकदम ट्रीज ट्री पूरा चारों तरफ, अच्छा है, फॉरेस्ट है ना, पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ पे नीलगाय वगैरह और मंकीज तो दिखते रहते हैं, वो तो कोई नहीं। गाइस वो देखो रेनबो बन रहा है वहां पे, उसमें जूम नहीं होता यार, नहीं तो आपको बताता मैं, बट ऐसा रेनबो बन रहा है वहाँ पे, और आप देख सकते हो पूरा मस्त। अभी वेदर भी बहुत सही हो रहा है तो हमने सोचा थोड़ी सी गाड़ी रोके यहाँ पे और हम लोग थोड़ा सा इस नेचर को एंजॉय करें, क्यों भाई विपुल सिटी जी, तो आप देख सकते हो और पूरा ग्रीन 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 हो गया रखा है यहाँ पे, और ये रही हमारी कार। तो यहाँ से जाते हैं हम गांधी सागर, और इधर है भानपुरा जो टाउन है उस तरह से, और सनसेट हो रहा है वहाँ पे, आइस बारिश आ सकती है। और अभी बच चुके हैं 5, हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों ने गांधी सागर जो डैम है वो भी देख लिया है, अभी वापस
जा रहे हैं हम बांधपुरा से होते हुए रामगंज मंडी, और फिर वहाँ से हम लोग कोटा निकल जाएंगे। तो देखते अभी ये एक्चुअली क्या है, ये सिंगल रोड है यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती कार चलाने में, और बीच में बारिश की वजह से गड्ढे भी हो रहे हैं। तो ठीक है, पर हाँ कार धीरे चलाओ, अच्छे चलाओ, मस्त पीस। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार इतनी है, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है तो, और शेयर कर सके तो वेल एंड बेटर। तो चलो अभी चलते हैं वापस हमारी कार में, और वापस हम निकलते हैं रामगंज मंडी।